अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस किया था, उसकी रीडिंग को आज हम इसकी फर्दर रीडिंग करते हैं। पेज नंबर है हमारे पास 34, कन्वर्जन ऑफ बेसिस, हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। टू चेंज द बेस ऑफ अ फिगर इन टू अनदर इज कॉल्ड द कन्वर्जन ऑफ बेसिस, यानी कि अगर हमने चेंज करना है फिगर को, टू चेंज द बेस ऑफ अ फिगर, किसी फिगर की बेस को चेंज करना है दूसरी में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जन ऑफ बेसिस। यूजिंग द फॉर्मूला वी कैन कन्वर्ट अ फिगर फ्रॉम वन बेस इन टू अनदर वेरी इजीली, हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। टू फिगर इज रिटन इन डिफरेंट नंबर सिस्टम विच रिप्रेजेंट द सेम क्वांटिटी आर इक्वल एंड टू ईच अदर, द फिगर हैव इक्वल वैल्यूज इवन थ्री द डिजिट्स मेकिंग अप द फिगर आर एंटायरली डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल 36 इन डेसिमल इज इक्वल एंड टू, अगर हम 36 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो हमारे पास किस तरह से आंसर आएगा, आगे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्व भी करते हैं क्वेश्चंस को। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू बाइनरी, कि हम डेसिमल की बेस होती है 10 और बाइनरी की बेस होती है 2, हम किस तरह से डेसिमल से किस तरह बाइनरी में जा सकते हैं। द कन्वर्जन ऑफ डेसिमल बेस 10 है इनटू बाइनरी, इसकी बेस 2 है, यूजेज अ वेरी सिंपल प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड द रिमाइंडर मेथड, इसमें हम इसको आसानी से कर सकते हैं चेंज, और इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर मेथड बोलते हैं। इट इज़ अ सीरीज ऑफ रिपीटेड डिवीजंस बाय द बेस इन विच वी आर कन्वर्टेड। फॉर कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू बाइनरी देयर आर टू पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसमें टू पॉइंट्स हमें याद रखने होंगे, कीप डिवाइडिंग अंटिल यू रीच 0 और 1 क्वेश्चन, 0 और 1 क्वेश्चन आएगा, यूज द रिमाइंडर इन रिवर्स ऑर्डर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कंसीडर कन्वर्टिंग 49 ऑफ डेसिमल इनटू बाइनरी, कि हम डेसिमल में हमें दिया तो हमने बाइनरी में जाना है, हम किस तरह से जाएंगे। ये आपके पास क्वेश्चन है 49, आप देखें 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इस जिस तरह हम एलसीएम लेते हैं, वो तो सिंपल लेते हैं ना, ये है एलसीएम की तरह, लेकिन जो नंबर बच जाएगा, 1 बचेगा, तो अब हम यहाँ पे इसको साइड पे करके लिख देंगे। फिर 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, अब यहाँ पे 0 बच रहा है तो 0 यहाँ पे साइड पे आ जाएगा। 2 6 ज़ा 12, क्या बचा, 0 0 यहाँ पे आ जाएगा। 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे भी क्या बच गया, 0, तो 0 साइड पे आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, अब यहाँ पे 3 से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे क्या रह गया, 1 बच गया, तो 1 यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, अब हमने यहाँ से स्टार्ट करना है और इस तरह से ऊपर जाना है, यानी कि पहले आएगा 1 1, फिर 0001, और इसकी बेस क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। आगे उन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी है। अब एग्जांपल नंबर 2 है कि हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं 28 ऑफ डेसिमल इनटू बाइनरी, सेम वैसे ही है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 0, 2 7 ज़ा 14, 0, 2 3 ज़ा 6, अब 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करें, क्या रह जाएगा, वो 1, 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पे क्या रह गया, 1। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर इस तरह से ऊपर जाएंगे, 1 1 1 और 0 0, इसकी बेस के आगे हमारे पास 2 आ जाएगी। इस तरह से इन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। एग्जाम्पल नंबर 3 है कन्वर्टिंग 100 ऑफ डेसिमल इनटू बाइनरी, अब 100 को हम किस तरह बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 0, यहाँ पे क्या बचेगा, 0, 2 2 ज़ा 4, 1 क्या, 2 5 ज़ा 10, क्या बच गया, 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 बच गया, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 0 रह गया, 2 3 ज़ा 6, 0, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 1 1 0 0 1 और 0 0, इसकी बेस की आ जाएगी हमारे पास 2। ये तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, हमने देखा कि हम किस तरह से डेसिमल से बाइनरी में जा सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे।